आपके स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आयुर्वेद केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। गर्भावस्था के 33वें सप्ताह में आप सभी माता पिताओं का हार्दिक स्वागत है। 33वें सप्ताह में आपके बेबी की लंबाई लगभग 17.2 इंच और वजन लगभग 4.25 पाउंड इतना होता है। 33वें सप्ताह तक बच्चा पूरी तरह से एक मनुष्य की तरह दिखता है। आपके बच्चे की अस्थियां जन्म के बाद के जीवन के लिए मजबूत होने लगती हैं। इस वक्त बच्चे की खोपड़ी की हड्डियां बनकर तैयार तो होती हैं, लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होता। यह फ्यूजन जन्म के बाद कुछ महीनों में हो जाता है। इस सप्ताह से आगे आपका बच्चा ज्यादा हलचल करने लगता है और अपना सर नीचे की ओर झुकाने लगता है। बच्चा माँ के पेट की त्वचा से आ रहे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। माँ के गर्भाशय में स्थित गर्भजल यानी एमनियोटिक फ्लूड का तापमान माँ के शरीर के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। आपके बच्चे के शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी अलग से बनने लगती है। इसके लिए माँ के शरीर से एंटीबॉडीज लिए जाते हैं। आपका बच्चा लगभग आधा लीटर एमनियोटिक फ्लूड यानी गर्भजल रोज पीता है, जिससे उसके आंतों का विकास होता है। आपके बच्चे का वजन यहाँ से हर हफ्ते लगभग 0.5 पाउंड इतना बढ़ने लगता है। आपको इस समय चलने और काम करने में कुछ परेशानी जरूर महसूस हो सकती है। आपको इस समय बच्चे की हलचल पहले से कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही होगी। इस समय आपको कब्ज होना एक आम बात है। आपको चलना और अधिक पानी पीना बहुत ही जरूरी है। आपको इस वक्त DHA या ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसको आपके डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। इस समय आपको पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, इस माह में भी प्रसव हो सकती है। कुछ वक्त जल्द प्रसव होना चिंताजनक होता है। अगर आपको कोई समस्याएं या तकलीफें हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं 34वें सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भ में होने वाले बदलावों को लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।